Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Debate Views. आज हम आपको तमाम फॉर्म दिखा रहे हैं और आप इस वक्त हैं लाइव विद वाई जे कमैना के साथ. ग्रेट व्यूज आपके आपकी इंकरेजमेंट से हमें बहुत हौसला हो रहा है. आप तमाम हमारा बाकमाल देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, लाइव विद वाई जे कमैना देख रहे हैं. आपने हमारे लंदन से तमाम देखे, आपने हमारे तमाम मलेशिया से देखे, हम आपके बेहद ममनू हैं. अभी चंद माह पहले हम पेरिस में थे, आपको साथ रखा. बेल्जियम में थे, आपको साथ रखा. लंदन में थे, यानी आप जहाँ जहाँ भी गए आप हमारे साथ है. तो आज आप हैं लाइव विद वाई जे कमैना के साथ एक ऐसे प्रोग्राम में जिसमें हम आपको बताएंगे कि मॉरल वैल्यूज़ क्या चीज़ हैं. इंसान इंसान अगर सही बिहेव करे तो वो फिर कौमों के ट्रैक पे चलता है और कौमें किस तरह बनती हैं इस पर आज हम आपके साथ तरीके गुफ्तगू होंगे. आपको बताएंगे कि लोग कैसे प्रॉस्पर करते हैं, कौमें कैसे प्रॉस्पर करती हैं. पहली बात हम आपको एक खूबसूरत बताए हैं कि कोई 25 साल पहले हम न्यूयॉर्क कोनी आइलैंड में एक रेस्टोरेंट पे थे. उसका नाम था लाहौर रेस्टोरेंट. हम दोस्तों के साथ बैठे हुए थे. इसके मालिक जो थे मिस्टर अशरफ चौधरी, जो कभी एयरफोर्स कोटी फोर्स के इंस्पेक्टर हुआ करते थे. वीज़ा लगा, वहाँ चले गए. उन्होंने वहाँ बिजनेस शुरू किया और अपने लाहौर की यादें ताज़ा करने के लिए उन्होंने अपने कारोबार का नाम, अपने रेस्टोरेंट का नाम, खावा हाउस का नाम लाहौर रेस्टोरेंट रखा. वहाँ बड़ा डेरा रहता था तमाम पाकिस्तानियों का, तमाम लाहौरियों का, तमाम कराची वालों का, साइवान वालों का, नई बारखा वालों का, पिशावर वालों का, बलोचिस्तान वालों का, तमाम वहाँ डेरा होता था और वो लाहौरियों का डेरा बड़ा मशहूर था, मारूफ था. हम एक रोज़ बैठे हुए थे कि अचानक कुछ काले कुछ गोरे यूनिफॉर्मों में दाखिल हुए. बड़ी विस्प्रिंग के बाद मालूम हुआ कि वो वहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं और रेस्टोरेंट की खुराक चेक करने आए हैं. सब मुलाजमीन इधर उधर भाग रहे थे. कुछ बेचारे इलीगल जो थे वो छुप रहे थे, कुछ अकड़ के चल रहे थे जिनको ताज़ा ग्रीन कार्ड मिला था. क्योंकि ग्रीन कार्ड मिलना वैसे ही था जैसे किसी की ताज़ा ताज़ा जिसको खूबसूरत निकाह नामे के ऊपर जहेज में लंबी मर्सिडीज, लंबी गाड़ियाँ, लंबा कारोबार मिल जाए. तो वहाँ ग्रीन कार्ड की किस्मत ये सुनकर जाती है. लिहाजा हमें खामोश रहने का इशारा हुआ, हम बैठे रहे. किसी को कुछ नहीं कहा, किसी की कोई इंसल्ट नहीं की, कोई बात दौड़ नहीं हुई, किसी को डांटा नहीं. वहाँ कोई नंडापन नहीं था. वहाँ थे कानून की पासदारी के लिए थे. तो चार पाँच घंटे ग्रेट व्यूअर्स, चार पाँच घंटे को वहाँ रहे उस रेस्टोरेंट में, हमारे उस दोस्त के रेस्टोरेंट में चार पाँच घंटे रहे. किसी को कुछ नहीं था, वो अपना काम करते रहे. काम क्या कर रहे थे किसी को कुछ मालूम नहीं था. बस जब वो निकले लगे उन्होंने ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट अशरफ चौधरी साहब को बुलाया, उन्हें पढ़ाया, उन्हें वो जो ऑफेंसेस थे वो पढ़ के सुनाए. फूड जो था वो सब स्टैंडर्ड हीटेड था, उसको प्रॉपर हीट नहीं थी, सफाई नहीं थी, अंदर जो फ्रीजर्स थे उनका मसला था. इन शॉर्ट कि वो पाँच घंटे रहे और रेस्टोरेंट सील किया. मालूम हुआ कि $5,000 वो जुर्माना कर गए हैं. चौधरी साहब ने चूँ तक नहीं की. बाद में क्या हुआ हम तो आ गए थे. बात करने का मकसद ये है कि कानून की अमलदारी थी, वहाँ कोई हमला नहीं हुआ, वहाँ कुछ नहीं हुआ, रेस्टोरेंट सील हुआ, चौधरी साहब ने जुर्माना दिया नहीं दिया वो बात की बात है. लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, उसके बाद हम आपको एक और खूबसूरत बात बताते हैं कि जब मैं ताशकंद में था, मेरे मालिक के कायनात का कर्म है. ताशकंद कैपिटल है उज़्बेकिस्तान का और उज़्बेकिस्तान ताशकंद वो बड़ी मारूफ जगह है जहाँ 65 जहाँ अयूब खान गए और ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था. ताशकंद डिक्लेरेशन फिर बाद में किसी को डिस्कस करेंगे. तो मारूफ जगह है. वहाँ जब मैं गया तो मुझे एम्बेसी ने एक फ़ोन किया कि मेहरबानी फरमाएं, एक हमारे पाकिस्तानी की बदनसीबी से रात जेल में डेथ हो गई है. मैंने जब उसका कसूर पूछा तो मालूम हुआ कि वो बेचारा जब छुट्टियों में पाकिस्तान मजदूरी के सिलसिले में जब ताशकंद आया हुआ था, छुट्टियों के सिलसिले में जब वो पाकिस्तान वापस जा रहा था तो किसी बदबخت ने उसको $400, $500, $600, $1000 उसकी अमाउंट हमें अच्छी तरह याद नहीं है. लेकिन आप गौर कीजिए, कौमें
قوموں کی ترقی کا راز کیا ہے، ڈیپتھ کیا ہے، پراسپیرٹی کا راز کیا ہے، پتا یہ چلا کہ وہاں سے صرف $200 کی اجازت تھی باہر لے جانے کی، کرنسی باہر لے جانے کی اجازت صرف $200 تھی، اور اس بد نصیب پاکستانی کی جیب سے، پاؤچ سے، بیلٹ سے، بیگ سے زیادہ پیسے نکلے، اس کو گرفتار کر لیا گیا، اس کو سزا ہوئی اور وہ جیل بھی نکل گیا۔ چھوڑا نہیں، کوئی سفارش نہیں تھی، یہاں $5,00,000۔ جناب چیف جسٹس، جناب آرمی چیف، جناب وزیر اعظم پاکستان، جناب آصف زرداری صاحب، جناب کھوسا صاحب، $5,00,000 کوئن، ایک خاتون، ایک ماڈل گرل لے کے جا رہی تھی۔ وہ کتنے لے کے اس ملک سے چلی گئی، کتنے لوگ اس ملک سے لے کے چلے گئے، اگر شومی قسمت وہ پکڑی ہی گئی تو اس کو پکڑنے والے شخص کو جہنم نصیب کر دیا گیا، خدا اس کو جنت نصیب کرے، اس بلے بریو انسپکٹر کو جس نے اس کو پکڑا تھا، اس کو چند مار کے بعد مار دیا گیا۔ کون پکڑے گا، کون بچائے گا؟ ہم کہتے ہیں کون بچائے گا پاکستان، پاکستان بچا رہے گا، وہ نہیں بچے گے۔ تو ناظرین، گریٹ نیوز، میں آپ کو آج دکھ کے ساتھ یہ شیئر کرا رہا ہوں۔ قومیں کیسے بنتی ہیں، قومیں کیسے برباد ہوتی ہیں، قومیں کیسے اجڑ جاتی ہیں، بڑے بڑے تناور درخت جو ہیں وہ شدید بدت کے جو درخت ہیں، جب ان کو ٹرمائٹ لگ جاتی ہے وہ گر جاتے ہیں، ایک دم ڈرام سے نیچے گر جاتے ہیں، وہ سوکھ جاتے ہیں۔ آپ چیک کر لیجئے، آپ دیکھ لیجئے کتنی کتنی بڑی سلطنتیں، رشیا بہت بڑی دنیا کی اسٹیٹ تھی، ٹوٹے ہوئے اور بڑے ممالک مست تو نابود ہو گئے، صفائی ہستی سے مٹ گئے، اس لیے کہ یہ نہیں کہ وہاں کوئی سونامی آ گیا، اس لیے کہ وہاں کی قومیں جو تھیں وہ بدجانک ہو گئیں، اور جن قوموں نے ترقی کی، جن قوموں نے فرش کیا، جن قوموں نے 250 سال پہلے انڈر گراؤنڈ ٹیوب اسٹیشن بنایا، ان کا آج عروج دیکھ لیجیے۔ ہانگ کانگ، میں ہانگ کانگ گیا 1980 میں نے وہاں ٹیوب اسٹیشن دیکھا، اشش کر میرے لیے پہلا ٹیوب اسٹیشن تھا، میں نے ٹیوب اسٹیشن پہ 1980 میں یا 81 میں نے سفر کیا، تو میری حیرت دنگ رہ گئی کہ کن قوموں نے بنایا ہوگا۔ ہانگ کانگ چائنیز کالونی تھی، 80 سے پہلے 10 سال تو لگے ہوں گے اس کو بنانے میں، کوئی اسٹے نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ 22 منٹ جو فاسٹ ٹرین، یور اسٹار ٹرین پیرس سے لنڈن اور لنڈن سے پیرس جاتی ہے، 22 منٹس وہ سمندر کے نیچے سے گزرتی ہے، پتا بھی نہیں چلتا۔ اس میں ٹوٹتی ہے، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، وی آر اینٹرنگ ان ٹو دا ڈیپ سی اینڈ وی ول ریمین فار 22 سیکنڈس، انجوائے دا سی ویو۔ قوموں کی ترقی ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے برسل کا، بیلجیم کا مجھے بڑا شوق ہے، یورپی یونین کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں، یورپی یونین والے کیا کرتے ہیں، لیکن سنڈے کو معلوم ہوا کہ سنڈے کو جو ٹرین اسٹیشن جو ہے، میٹرو اسٹیشن جو ہے وہ فری ہے۔ میں نے راز پوچھا، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جناب سنڈے کو ہم پرائیویٹ ویکلس کو بند کر دیتے ہیں، فری سفر کیجیے، ٹرینیں فری ہیں، یہاں اسٹے ہے۔ جناب چیف جسٹس، آپ 1.5 سال قومی ٹرین جو بند رکھا، جنہوں نے رکھا، کیا وہ درست تھے یا آپ کا بہت بڑا فیصلہ غلط ہے؟ اس کے اوپر مہربانی فرما کے ایک کمیشن بنائیے۔ قوم کا اربوں روپیہ ڈوب گیا، آپ نے اجازت دی، آپ سلامت رہیں، آپ کو تاریخ یاد رکھے گی۔ باقی کسی معاملے میں آپ کے ساتھ ہمارا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، آپ سپریم کورٹ کے منصف اعلیٰ ہیں، پاکستان کی بڑی عدلیہ کے منصف اعلیٰ ہیں، حساب آپ کو، آپ خود بتا رہے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا تھا کہ سب سے پہلے دو جہانوں کے سردار جب دربار اقدس سجا ہوا ہوگا تو جج طلب کیجیے، منصف طلب کیجیے۔ دیکھ لیجیے، عدلیہ آپ کے سامنے ہے، عدلیہ کا انڈیلہ ہے، آپ عدلیہ کے نیچے کیا حالات ہیں، ہم تو بات، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میں۔ جناب چیف جسٹس، ذرا غور کر لیں، آئین توڑنے والوں کا آپ اگر اس دفعہ گلا تھما کر جائیں گے، پی ججز کو اٹھا کے باہر پھینک جائیں گے، جو ججز جن کی پروگرس نل ہے ان کو آپ کوڑے لگائیں گے، جن عدالتوں کا برا حال ہے، جن کے دادا مر گئے، باپ مر گیا، پردادا مر گئے اور فیصلے اب تک نہیں ہوئے، چیف جسٹس صاحب آپ کو حساب دینا ہوگا، ہم آپ کو دے رہے ہیں لیکن آپ کو تو بڑی عدالت میں حساب دینا ہوگا، اس سے بہتر کچھ بندوبست کر لیا جائے۔ جناب IG پنجاب کیپٹن عرف نواز صاحب، آپ نے پچھلے چند ماہ پہلے مجھے انوائٹ کیا،
میری عزت افزائی ہوئی. آپ کے اسٹاف افسر جمیل بٹ صاحب نے بڑی محبت سے مجھے انوائٹ کیا. آپ کے کہنے پہ میں جب گیا تو آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کی. امپرومنٹ ہے, ابھی اور امپرومنٹ کی ضرورت ہے, لیکن اس میں صرف ہم ہر وقت پولیس کو, وارڈنس کو, ایجنسیوں کو کوستے رہتے ہیں. ہم اپنے گریبان میں منہ نہیں ڈھانکتے, ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کے نہیں دیکھتے. ابھی کروڑ انڈا فوڈ ڈپارٹمنٹ میں محنت کرتے ہیں, کچھ کالی بھیڑے بھی ہوں گی, لیکن وہاں ایک کروڑ انڈا جس دلیر ٹیم نے جا کے پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ضائع کیا ہے, میں ان کو سلام کرتا ہوں. جو ریسٹورنٹس پہ چھاپے مار رہے ہیں, ہاں ذرا خیال رکھیے, جو ریسٹورنٹس آپ کے بچوں کو خوراک نہیں کھلاتے, جو کھانا نہیں کھلاتے, جو آپ کے بچوں کو حرام نہیں کھلاتے اور آپ پہ حلال کھانے والی ٹیم ہے, تو ان کو بھی سلام ہے کہ آپ جتنی ایفرٹس کر رہے ہیں, جتنا جہاد کر رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. اب آئیے گریٹ ویوز, میں آپ کو شیئر کرواتا ہوں کہ میں کوئی 6-7 ماہ پہلے نواز شریف پارک ماڈل ٹاؤن اور میٹرو کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, وہ ایک گھنٹے کا راؤنڈ اپ ہے, میں وہاں واک کر کے نکل رہا تھا. سامنے ہی ماڈل ٹاؤن کے سرکل کے اوپر ڈی پی ایس عمرہ کے سکول کے ساتھ گورنمنٹ بوائز اسکول ہے. سردیوں کے دن تھے, باہر مین روڈ کے اوپر ڈنڈا بردار ٹیچر ڈی پی صاحب تھے, پی ٹی صاحب تھے, بچوں کو ٹھیک سڑک کنارے ان کو فوراً کیا جا رہا تھا. کیا جرم تھا مجھے, میں نے سوچا کہ میں سی او کو کال کرتا ہوں. میں کھڑے ہو کے وہاں دکھ کے ساتھ, آنسو کے ساتھ وہ نظارہ دیکھتا رہا. میرا اندازہ تھا یا تو بچوں کے پاس یا بچے لیٹ آ گئے ہیں, لیکن وہ میرا اندازہ غلط تھا کہ ابھی اسکول کا ٹائم نہیں ہوا تھا. پھر میں نے سوچا کہ ان کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے, تو میں نے دل میں سوچا جوتے تو ہمارے پاؤں میں ملے تھے, جوتے تو آج جو سیکٹری ہیں ان کے پاؤں میں ملے تھے, جوتے تو ان کے پاؤں ملے تھے جو وزراء اعلیٰ تھے, وزیر اعظم تھے. اس وقت جوگر کہاں تھا, ایک ملیشیا تھا, ملیشیا کی یونیفارم تھی, خاکی بینڈ تھی, کوئی ڈی سی کا بچہ پہنتا تھا, کوئی مالی کا بچہ پہنتا تھا, گورنمنٹ ہائی اسکول سائیوال میں وہیں ڈپٹی کمشنر کا بچہ پڑھتا تھا, اور وہیں میں ایک خوددار باپ کا بیٹا, درمیانے سے گھر کا بچہ, میں بھی وہیں پڑھتا تھا. گورنمنٹ کالج سائیوال میں ممتاز جو میجسٹریٹ ہوئے, جو اے سی ہوئے, ان کا باپ وہاں ہماری بیل بجاتے تھے, چچا اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے, وہ بھی وہیں پڑھتے تھے. کمشنر کا بچہ وہیں پڑھتا تھا. وزیر تعلیم یاسین بٹو صاحب کا بیٹا اب پتہ نہیں کہاں ہے, سلامت رہیں, بٹو صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں. یہ یاسین بٹو صاحب پہلے وزیر تعلیم تھے, ان کا بیٹا بھی گورنمنٹ ہائی اسکول میں پڑھتا تھا. یا اسکولوں کا بیاض تھا, میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں بچوں کو سر عام سزا دی جا رہی تھی. کبھی بچی کو دھکا دے کے چھت سے نیچے گرا دیا جاتا ہے, کبھی بچے کے جسم پہ لاشیں ڈال دی جاتی ہیں, اسٹرائپس مار مار کے, ڈنڈے مار مار کے. ابھی سندھ میں جہاں بڑی ترقی ہے, جہاں بھٹو ہر گھر سے بھٹو نکل رہا ہے, بھٹو تو دنیا سے چلا گیا, اس کی روح جو ہے وہ تڑپ رہی ہے کہ یہ جو میرے فالوورز ہیں, میرے جعلی فالوورز ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. وہاں بچے کو اس قدر مارا گیا, جام شوروں میں اس قدر مارا گیا, اگر غلطی سے معافی چاہتا ہوں, جام شوروں کی بجائے اگر کوئی اور کالج اسکول ہو معاف کر دیا گیا, وہ بچہ آباد ہو گیا اور اس کا علاج پھر نیو یارک میں ہوا. کیا کر رہے ہیں, آئیے ہم آپ کو تھوڑی دیر کے لیے لنڈن لیے چلتے ہیں. میں اس دفعہ چل سردی میں لنڈن میں تھا, سنو فال میں تھا, بہت برا ویدر تھا, برف پڑ رہی تھی, برا حال تھا, ٹریفک جام تھی, ٹرینیں بند تھیں, جہاز بند تھے, نظام بند تھا لیکن سانسیں چل رہی تھیں, نظام چل رہا تھا, سڑک پہ گاڑیاں چل رہی تھیں, لوگ چل رہے تھے, اسکول بند نہیں کیے گئے تھے, ایک آدھ دن کے لیے چھوٹے بچوں کے لیے اسکول بند ہوئے, لیکن زندگی رواں رواں رہی. جناب میں جا رہا تھا, میں جس گاڑی میں سوار تھا اس گاڑی میں میری ڈاٹر ان لا گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی, اور اس میں میری چھوٹی چھوٹی جو گرینڈ ڈاٹرس تھیں وہ تھی. اسکول لیٹ ہو رہا تھا, اسکول سے دیر ہو رہی تھی, تو میری بہو نے وہاں ڈائل کیا, وہاں سے میسج کیا, اور میں نے جب پوچھا کہ بیٹے کیا ہو گیا, ٹریفک رکی ہوئی ہے, بہت برا حال ہے, میں کہا ڈیڈی اسکول سے دیر ہو رہی ہے, میں نے ان کے سینٹرل کنٹرول کو میسج کیا کہ ہم ٹریفک مس کرتے ہیں. اور کمال قومی جناب سی ای او گرایا صاحب, ذرا غور سے سنیے, یہاں بچوں کو مارا جا رہا ہے, شوز نہیں ہیں, سر عام سڑک پہ مارا جا رہا ہے. آپ سلیکٹری اسکولس میں جاتے ہیں, سیکٹری ہیلتھ معافی چاہتا ہوں, سیکٹری اسکولس الابق صاحب, ڈاکٹر الابق صاحب سلیکٹری اسکول میں جاتے ہیں, جائیے گاؤں میں جس کی دیواریں نہیں ہیں, جو
जिनके पास नलके का पानी पीने के लिए नहीं है, जिनके पास टॉयलेट्स नहीं है, जिनकी स्कूल की दीवारें नहीं है, जहाँ गधे और बंदर बंधे हुए हैं, जहाँ भैंसे बंधे हुए हैं, इंसानों की स्कूल वहाँ जाया कीजिए। तो मैं बस अर्ज कर रहा था कि जब हम स्कूल पहुँचे तो क्या हुआ, उन दो मासूम क्यूट मेरी ग्रैंड डॉटर्स ने महवीन और कलसोम में अपने कोट से स्कूल का दरवाज़ा खूबसूरत कर टेंटेड ग्लास वाला कोर्ट से दरवाज़ा खोला, अंदर मुस्कुराती हुई गोरी थी। मैं बतौर ग्रैंड फादर आई वॉज फीलिंग स्मॉल दैट वी वर लेट। मैंने जब मासी स्टार्ट की तो वी आर सॉरी मैम, तो वो मुस्कुरा रही थी। यू आर स्माइलिंग बॉय, टुडे इज मंडे, इट्स अ रिलैक्सिंग डे। मेरे लिए अजीब दुनिया थी। मैं पेरिस में स्कूल देखने चला, मुझे स्कूल देखने का शौक है, मुझे बच्चे देखने का, तालीम हासिल करते हुए बच्चे देखने का शौक है। मैं यहाँ भी जाता हूँ भैया, मैं जूनियर मॉडल स्कूल एटिकन स्कूल अक्सर जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इंतज़ाम अच्छा है, जो टीचर हैं वेल बिहेव्ड हैं, बच्चे भी कोई बच्चे सारे शैतान होते हैं, बड़े शैतान होते हैं, असेंबलियों में गाली गलौज होती है, टेलीविजन चैनल पर मजीद गुजरा एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ स्कूलों का हमारे स्कूल जो मॉडल स्कूल है बेहतर है, तमीज़ है, मैडम तमीज़दार हैं, तालीम के मियार बेहतर है। तो मेरी गुजारिश ये है कि हम भी फॉलो करें, हम हर बात पे हिंदुस्तान की मिसाल देते हैं और लफ लड़त है हिंदुस्तान के ऊपर, जहाँ सरे बाजार भरी बस में बच्ची को रेप कर दिया जाए और फिर सड़क किनारे फेंक दिया जाए और वो बच्ची फिर सिंगापुर के अस्पताल में दम तोड़ जाए, और फिर जनाब भारत जो बड़ा दावा करता है जमहूरियत का, लख लानत है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे वहाँ से वो मुलजमान बरी हो गए। हम बहुत बेहतर हैं, हम बहुत बेहतर हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ और बेहतर होंगे। मुझे ये कहते हुए कोई आर नहीं, मुझे ये कहते हुए खुशी महसूस हो रही है कि जब पिछली गर्मियों में सर्दियों में लोड शेडिंग तबाहकुन थी, बिजली नहीं थी, बुरा हाल था, सब बंद था, आज मैं बिल्कुल हलफन कह रहा हूँ कि बिजली ना जाने के बराबर है। पहले आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। मत सर्टिफिकेट दीजिए किसी को, काफरी का सर्टिफिकेट, किसी को काफरी के सर्टिफिकेट तो हमने जेब में रखे हुए हैं, गद्दारी के सर्टिफिकेट हम गाड़ियों में लेके घूम रहे हैं। अरे कुछ तो खुदा का खौफ है। अरे हमने गौतमा फातिमा जरा से लेके मुजीबुर रहमान वली खान मौलाना मौदूदी साहब और न जाने किन किन को हमने गद्दार के सर्टिफिकेट दे दिए। गद्दार वो हैं जनाब चीफ जस्टिस, जनाब आर्मी चीफ, जिन्होंने मुल्क का आइन तोड़ा, जिन्होंने मुल्क लूटा। जनाब चीफ जस्टिस गद्दार वो हैं जिन्होंने आइन के हलफ की पासदारी नहीं की। जनाब चीफ जस्टिस किस खाते में क्यों प्लॉट लिए जाते हैं, क्यों जजेस प्लॉट देते हैं? जनाब चीफ जस्टिस सहाफ़ी क्यों प्लॉट लेते हैं? मुझे अफसोस है कि जनाबे एक बहुत बड़े सहाफ़ी जिनका बड़ा नाम ग्रामी है कहते हैं मैंने कोई प्लॉट नहीं लिया। साथ ही वो अपनी शर्मिंदगी को भी टाल रहे, शर्मिंदा भी नहीं हो रहे, नादम भी नहीं हो रहे। वो क्या क्या करते होंगे उनका, उनके अमाल उनके साथ, लेकिन किस खाते में तीन प्लॉट आपने दे दिए? जनाब आपने शौकत खान अस्पताल को ज़मीन दे दी, ठीक है, अल्लाह की राह पे दे दी, वहाँ इलाज होता होगा। आप अस्पतालों को ज़मीन दे दें, हो गया। आप इस खाते में करोड़ों रुपए अपने चाहने वालों को, जिसने किसी ने पार्टी की वो आपने ज़मीन दे दी, उसको करोड़ों रुपए दे दिया। अभी मुझे पता चला कि सिंध में 2100 एकड़ किसी मजहबी तंजीम को दे दिया गया मदरसा बनाने। और भाई करोड़ों रुपये की जलसे करवाते हो अस्पताल को दे दो, करोड़ों रुपए के पंफलेट छिपाते हो, फ्लायर छिपाते हो, ढोल ढमक्के करते हो, डांस करते हो, फंक्शन करवाते हो, दर्रे देते हो, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हो, जहाज इस्तेमाल करते हो, अपनी जेब से ही खाना नहीं देते, कहते हैं ज़कात दीजिए। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि हम अपने स्कूल बेहतर करें, हम अपने अस्पताल बेहतर करें। मुझे ये कहते हुए और खुशी महसूस हो रही है कि मैं अपने एक अजीज़ को न्यू हॉस्पिटल में जाके उनका कॉर्निया चेंज हुआ है, जो कॉर्निया बाहर से आता है। आई सूट टू ऑल डॉक्टर्स इंक्लूडिंग डॉक्टर नबीला साहबा, डॉक्टर आमना और बहुत सी दूसरी जो डॉक्टर साहबान हैं जो आई स्पेशलिस्ट हैं और उनको हेड कर रहे हैं, जरा प्रोफेसर असद खान साहब, असद असलम खान साहब, कमाल हमारा
हाई यूनिट है और उसकी सफाई देखने वाली है, हम गालियाँ देते रहे, हम जो मर्जी करते रहे, खुदा करे ये बड़े लोग जो हैं जिस तरह से इकबाल साहब को गोली लगी, अल्लाह उन्हें सेहत दे, रिसर्चर्स में उन्होंने इलाज करवाया है, तो हम इन अस्पतालों को बेहतर करें। शहबाज साहब हो या शहबाज शरीफ साहब हो, केपीके के खटक साहब हो, शाह साहब हो, या बलोचिस्तान के अभी जो ऊपर से उतरे वज़ीर आला हैं, डेढ़ घंटे में वज़ीर आला बना दिए गए, वो हो वज़ीरे आज़म हो, सब इलाज अपने मुल्क में करवाएं, उन बिस्तरों पे लेके जहाँ गरीब देखता है। मेट्रो पे सफ़र शहबाज शरीफ साहब आप मीडिया के साथ करते हैं, आप मेट्रो में अपनी फैमिली को भी ट्रैवल करवाया करें, आपको मुश्किल का एहसास होगा, आपने बड़ा काम किया, लेकिन इसका इस्तेमाल भी करें। बनी गाला अभी जनाब इमरान खान साहब साफ देख रहे हैं, साफ देखते रहिए, खुदा करे जिसकी किस्मत में उमा लिखा है उसके सर पे तो उमा बैठेगी, हमें उससे क्या लेने देना। हमने तो ये देखा जब वोट देने से पहले चूमा जाता है, माथे चूमे जाते हैं, सर चूमा जाता है, सब कुछ किया जाता है, और फिर उसके बाद कर्बानों के जरिए तस्वीर की जाती है, वो रायबिंड हो, वो बनी गाला हो, वो बिलावल हाउस हो, वो वहाँ बलोचिस्तान की सरजमीन हो, कुछ नहीं, फिर वोटर बोलता है, चंद हवारी, चंद जो है चहेते, चंद लाडले, और जो चेले चंडे होते हैं उनको आवाज़ दिया जाता है, उनको प्लॉट दिया जाता है, बड़े फने खां गुंडा साफियों को प्लॉट दे दिए जाते हैं, मुँह बंद कर दिया जाता है। लेकिन आइए हम सिस्टम को ठीक करें, हम इदारों को ठीक करें, हम अपने मुस्तकबिल के जो नस्ल है उसको ठीक करें। इस बात मुस्तकबिल की नस्ल से याद आ गया, तमाम बच्चों से दरख्वास्त है जो फेसबुक यूज़र हैं, खुदा के लिए इन लीडरों के पीछे अपना अपनी मॉरल वैल्यूज़ की तबाही मत करें। हम कभी बेटियों को गालियाँ दे रहे हैं, हम दूसरे के बच्चों को गालियाँ दे रहे हैं, वो मरियम नवाज साहिबा की तस्दीक कर रहे हैं, हम इमरान खान साहब के बच्चों की तस्दीक कर रहे हैं। कभी सोचा कि मरियम साहिबा ने, कभी सोचा कि कासम और सलमान ने, कभी देखा बलावल ने, कभी देखा जरदारी साहब ने, या दूसरों ने, आप इसमें भी गाली गलौज की हो, फेसबुक पे मुझे एक बता दीजिए कि कभी इन बड़ों के बच्चों ने आप इसमें गाली गलौज की हो। आपको और मुझे बढ़ाया जा रहा है, मेरे बच्चों को और आपके बच्चों को बढ़ाया जा रहा है, हम गंदी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लबो लहजा गंदा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों? इसका जवाब आपको देना होगा एक छोटे से वक्त के बाद आपके लाइव विद भाई जगह में आना, और फिर हम आपको और अच्छी बातें शेयर करेंगे। रमज़ान शरीफ का पहला अशरा मुकम्मल होने को है, कुरान सुना जा रहा है, तारी हजरात के लिए दुआ है, या परवरदिगार आप इस मुल्क में रहम फरमाइएगा। छोटा सा वक्फा, हम यू लौटे और आप हमारे साथ रहेंगे, कहीं मत जाइए। वेलकम बैक टू डे व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर काइंड पेशेंस। आपको रोज़ा लगा हुआ होगा, आप हमारी बातें सुन रहे होंगे, आप ये खुश हो रहे होंगे कि हमने कोई एग्जैजेशन की बात नहीं की, हमने कोई लगी लिपटी बात नहीं की। आइए हम आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने लगे हैं कि हम कर क्या रहे हैं अपनी कौम के साथ। इस कौम के साथ 70 साल में हुक्मरानों ने, हम हुक्मरानों के पीछे पड़े हुए, हम जर्नैलों के पीछे पड़े हुए, हम पीसीओ जजों के पीछे पड़े हुए, अपने गरीबान में मुंह नहीं डाल के झांक रहे, हम अपने अपना इत्साब खुद नहीं कर रहे कि हम क्या कर रहे हैं। आइए हम आपको एक छोटी सी मिसाल दिखाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और इसके बाद हम आपको और कई चीज़ें बताएंगे। फैसला आप पे होगा कि आप लाइव विद वाईजे कमियाना के साथ जो आपके साथ शेयरिंग हो रही है दुरुस्त है या गलत है। अगर दुरुस्त नहीं तो हमें बराह करम दुरुस्त कीजिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। ये देखिए हमारे हाथ में, मैं आपको एक ये क्या शॉपर है, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश कर रहा हूँ कि आपको क्लोजअप दिखाए। ये गोरमे बेकर्स जो है, ये 15-20 साल की इसकी स्टैंडिंग है, बड़ा काम किया, बड़ी मेहनत की, बहुत कुछ किया, और इसके जो मालिक थे चटा साहब, सुना है कि कहीं मुलाजम थे, बड़ी अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि एक शख्स मुलाजमत करता हो, एक शख्स बिल्कुल किसी
छोटे से घर में किसी गांव में रहता हो और फिर वो कमिश्नर बन जाए, वो डिप्टी कमिश्नर बन जाए, वो वजीर बने, वो वजीर आजम बने। बल्कि आपको ये सुन के हैरानी हुई होगी होगी और आपको मालूम भी होगा कि इस वक्त जो सिंगापुर की सदर मोहतरमा हैं, उनके वालद मोहतरम मरहूम चौकीदार थे, गार्ड थे सिंगापुर में, अल्लाह को प्यारे हो गए, माँ ने बर्तन धोए, माँ ने रेडी पे खाने का सामान छोटा मोटा लगाया और फिर वहाँ से एक डायमंड ज्यूल निकला, हीरा निकला। वहाँ से क्या निकला? फिर आमना निकली। और आमना कौन है? हर एक्सेलेंसी मोहतरमा आमना जो है वो सिंगापुर की सदर मोहतरमा है। तो ये है, इसमें तो कोई यार नहीं। तो बात हो रही थी गोरमे की, गोरमे एस्टेब्लिश कर गया, अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, खामियां होती हैं। अभी पिछले साल हमने उनको एक फीडबैक दिया, हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। गोरमे बेकर्स जो पीको रोड पे है, नाले के ऊपर है, वहाँ हमने उनका जो पानी था, स्टिंक वाटर था, गंदा पानी था, उसमें से स्मेल आ रही थी, हमने हाईलाइट किया जो छोटे मुलाजमीन थे। हम बात सीधी है कि पहले तो घी जो है वो सीधी उंगलियों से निकलता ही नहीं, फिर कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब तक आप ऊंचा नहीं बोलते, जब तक आप हैमरिंग नहीं करते, जब तक आप एक्सीलेटर फुल नहीं दबाते, आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उधर चले जाओ, इधर चले जाओ, एक ही होया, इस तो होता ही रहता है, कमाल की बात है। हमने उनको पानी हाईलाइट किया, बात नहीं बनी, हमने वहां वो प्रोग्राम किया। प्रोग्राम के साथ मैंने, जब मैं उस वक्त, मेरे लिए बड़ा एहसास था कि मेरा जो मदर चैनल है वो रॉयल न्यूज़ है, लॉन्ग लिव रॉयल न्यूज़। मुझे, मैंने बहुत वहाँ सीखा, उनके जो यंग सीईओ हैं मोहतरम ब्रदर खिजर हयात भट्टू साहब, उनसे मैंने कई चीज़ सीखी, वहाँ के अटेंडेंट से सीखी, वहाँ के प्रोड्यूसर से सीखी, यानी बहुत कुछ सीखा मैंने वहाँ से। तो उस टीम को मैंने, टॉप टीम को इन्वॉल्व किया, हमने वहाँ जाके वो प्रोग्राम किया और फिर उन्होंने अपना पानी जो है वो दुरुस्त कर लिया, पानी बेहतर हो गया, लोग दुआएं देते हैं। हमने उनसे कुछ नहीं लिया, हमने अल्लाह की ज़ात से, हमें बहुत बड़ा रिवार्ड मिल गया। मुझे अल्लाह ने इस काबिल कर दिया कि मैं फिर बहुत छोटे से ना मीडिया का छोटी सी नियत चढ़ता चढ़ता मालिक ने कर्म कर दिया। पाकमाल को प्रोग्राम को चार चांद लग गए, लाइव भाई जी कैमरा आप देख रहे हैं, कभी दुनिया में कहीं प्रोग्राम करता हूँ, ये उसका कर्म है, नेक नीति के साथ होना चाहिए। आप डकैती मत करें, आप वारदातें मत करें, आप मुर्गी वाले से जब पैसे पकड़ेंगे तो आपको मार पड़ेगी, जब आप थाने वालों से पैसे मांगेंगे तो आप रुस्वा होंगे, जब आप हुक्मरानों से प्लाट मांगेंगे तो आपकी तजलील हो जाएगी, क्योंकि बात छुपी नहीं जाती, लिफाफा जिल्लत और रुस्वाई का बायस है। तो अल्लाह से मांगिए, इज्जत मांगिए, और अल्लाह ने मुझे बेहद इज्जत दी। मैं आई सल्यूट टू द एग्जीक्यूटिव ऑफ रॉयल न्यूज़, उनका मैं बेहद ममनून हूँ कि मुझे ग्रूम करने में, मीडिया में ग्रूम करने में मेरी मेहनत बाद में है, पहले रॉयल न्यूज़ का बड़ा हाथ है। सो सल्यूट टू द CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ रॉयल न्यूज़, और मेरे वहाँ के जो दोस्त हैं, मेरे जूनियर्स, मेरे सीनियर्स, मैं सब के लिए दुआ करूँ रमज़ान में, परवरदिगार रॉयल को रॉयल रॉयल कर दे। और फिर अल्लाह पाक ने दोस्त टेलीविजन और TV 99 में मैंने जब सिलसिला शुरू किया तो अल्लाह ने वहाँ भी इज्जत दी। तो फिर मैं चीज़ें बेहतर करता हूँ, मेरी टीम चीज़ें बेहतर करती है, मेरी कोऑर्डिनेटर जो मारिया हैं वो बेहतर करती हैं, मेरे दोस्तों की टीम बेहतर करती हैं, मौसम जो हमारे डिज़ाइनर हैं बेहतर करते हैं, हमारे लंदन के ऑफिस वाले बेहतर करते हैं। हम भीख नहीं मांगते, अल्लाह से मांगते हैं, इज्जत मांगते हैं, और वो उसने रच के दे दी। अब आपको हम, जो मैं बात बताने वाला था, जो मैं आपको गोरमे का शॉपर दिखा रहा था, छोटी सी बात है। गोरमे वाले क्या कर रहे हैं, शायद ज़ुबैर चट्ठा साहब को मालूम ना हो, वो पुलिस वाले ऑफिसर हैं, लेकिन सुना है कि वो नोटिस लेते हैं, बड़े चट्ठा साहब भी नोटिस लेते हैं। उनकी, उनके गोश गुजार कर रहा हूँ कि आपके तमाम जो आउटलेट्स हैं उन पे आपकी जो रसीद देते हैं, जब लोग, जो आपके कस्टमर है, जब वो पे करते हैं तो उसको जो आप स्लिप देते हैं वो नहीं दी जा रही। जब उनसे पूछा गया तो पहले तो मुस्कुरा के डाल दिया, फिर ज़रा ऊंची बात हुई तो उन्होंने कहा जी के कहीं भी नहीं है। मैंने कहा इस रोल की
जो प्रिंटर का रोल है इसकी कोई कीमत नहीं है, सस्ता सा रोल है, लेकिन अगर इसकी पड़चोल की जाए तो मुझे शक है, खुदा करे ये शक गलत हो, क्योंकि सेल बढ़ गई है, हम रसीद देने के कायल नहीं है, गवर्नमेंट रसीद देती है, हम टैक्स बचाते हैं, कहीं चले जाएं, जिससे रसीद मांगेंगे वो आपके गले पड़ जाएगा, जिससे रेट पूछेंगे वो आपका सर फाड़ने को आ जाएगा, जिस बोगी वाले को आप कहेंगे कि आप ज़िबा करके तकबीर पढ़ के, आप गंदे कपड़ों के साथ तकबीर पढ़ के, गंदे हाथों के साथ बगैर वजू के तकबीर पढ़ के जिस गंदे ड्रम में डाल रहे हैं, अगर आपने उसको कह दिया तो वो आपसे नाराज़ हो जाएगा, वो आपको 6 मिसालें देगा जिस जगह पे ड्रमों से भी गंद के ड्रम हैं, उसको करने के लिए तैयार नहीं होगा। लिहाजा ये मैं गुजारिश करूँगा इनकम टैक्स की टीम से भी कि इसको ज़रा मेहरबानी फरमा के जाके गोरमे के तमाम जो आउटलेट्स हैं, जो शॉप्स हैं, उन पर जाएँ, रसीद क्यों नहीं दी जा रही। अगर रसीद का वो प्रिंटर का मामला है, प्रिंट का पेपर नहीं है, तो फिर रसीद तो मिलनी चाहिए, चाहे आप कच्चे पर कागज़ पे दें, पक्के पे दें, आप कुछ दें, आप तो कुछ भी नहीं दे रहे। क्या दे रहे आप? मुस्कराहट भी नहीं दे रहे। और जब आपसे एहतजाजन कहा गया तो आपने उसका भी नाराज़गी से जवाब दिया कि कदे होते जाना ही है। सो अभी ये जो आपको शॉप लगा है, अभी शॉपिंग की है, मेल किया है गोरमे का, और ये मॉडल टाउन लिंक रोड पे जस्ट ऑपोजिट मेट्रो शॉपिंग मॉल और पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने वाली ब्रांच से लिया है। उन्होंने कहा जी कि पूरे लाहौर में ये जो रसीट प्रिंट है ये पेपर नहीं है, दैट्स वाई दे आर नॉट इशूइंग द रसीट। क्यों नहीं? मुझे शक है, आई डाउट इट, कि चूंकि सेल बढ़ गई है, इनकम टैक्स लगेगा, सेल टैक्स लगेगा, विदहोल्डिंग टैक्स लगेगा, आप कस्टमर से ले रहे हैं लेकिन आप नहीं दे रहे। लिहाजा आपसे गुजारिश है जनाब ज़ुबैर चटा साहब और आपकी तमाम टीम से गुजारिश है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, व्हाई इट्स हैपनिंग। कुराजी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये कौम का बड़ा नुकसान है। अभी चंद ही दिन पहले एक, खुदा सलामत रखे, ये बाकी मीडिया तो आप ब्लैकआउट कर सकते हैं, जिस ज़करबर्ग ने चंद साल पहले एक खलंडरे से नौजवान ने घर में तजर्बा किया, उसका नाम रख दिया फेसबुक, उसने धूम मचा दी, वो क्या है, वो किसी का एजेंडा है, वो नहीं है, लेकिन उसने तमाम दुनिया को लिंक कर दिया है। दूसरे लिंक्स हैं, यूट्यूब है, मैनी अदर्स, ट्विटर है, लिंक्डइन है, सो यू हैव गॉट एन एक्सेस टू द होल वर्ल्ड विद इन नो सेकेंड। तो ये अब आप छोटी सी बात होती है, आपको मीडिया दिखाए न दिखाए, लेकिन आपके जो सोशल मीडिया है वो आपके घर बैठे बैठे, आपको बेड के ऊपर, आपको बिस्तर के ऊपर, क्योंकि हमारे तो हमें तो हर वक्त नाराज़गी का सामना करना होता है, बेगम साहबा के साथ, बच्चों के साथ, बच्चे खुद लगे होते हैं, हर घर में आपकी उंगलियां सोशल मीडिया के साथ हैं। डजंट मैटर, बुरी चीज़ें मत देखिए, लेकिन यू आर लिंक विद यूनिवर्स, आप वर्ल्ड के साथ ऐसी ऐसी खूबसूरत चीज़ें शेयर हो रही हैं कि हर दंग रह जाती है। मसलन अभी चंद रोज़ पहले आफरीन है, कमाल है, सलूट टू दैट जेंटलमैन जिसने वो वीडियो बनाई कि मस्तूम का जो कैडेट स्कूल, कैडेट कॉलेज है, वहाँ ऐसे मारा जा रहा था, इस तरह तो गधों को नहीं मारा जाता, इस तरह तो जानवरों को नहीं मारा जाता, जिस तरह वहाँ जाने वाले जो कैडेट हैं, जो कल के मुस्तकबिल हैं, उनको डंडों से नहीं, पंजाबी वाली डांगों से मारा जा रहा था, उल्टा किया जा रहा था, लिटाया जा रहा था, ये तालीम कहाँ, ये कौन सी तालीम है, ये तो गुआंतानामो बे से बदतर है। लेकिन हमें अच्छा मालूम हुआ कि वहाँ के जो प्रिंसिपल, वहाँ के जो नालायक प्रिंसिपल हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और मैंने गुजारिश की थी जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, तमाम एजेंसियों से, कि वो इस तरह की फीडबैक टॉप लेवल को दें ताकि ये जो बदनामी का बायस इदारे हैं वो हमारे फोर्सेस के इदारे हों, हमारे सिविल इंस्टीट्यूट्स हों, वो ख़त्म होने चाहिए। हम कौम को क्या सबक दे रहे हैं, हम कौम के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, हम कौम से बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम कौन से बच्चे जो फेसबुक पर सारा दिन गालियाँ बकते हैं, किसी की बेटी को गालियाँ दे रहे हैं। और मुझे अफसोस हो रहा है
कि मेरे बहुत ही अजीज साथी खालिद जमील साहब और राना शफीक साहब, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, आई रिक्वेस्ट देम कि हम दस्तो ग्रेबान क्यों हों, हम दूसरों की बेटियों को, दूसरे के बाप को फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे गालियां दे रहे हैं? नहीं, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, तमाम दिन मैं सोशल मीडिया पे अपने बच्चों को, जो हमारे बच्चे यूज़र हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूँ, बड़े बड़े सुलझे लोग हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे ब्लॉगर हैं, बहुत अच्छी पोस्ट लगाते हैं, आइए हम सब मिल के ये तहिया करें कि रमज़ान शरीफ के बाद भी हम इन लीडरों की खातर अपनी आकत क्यों ख़राब करें। अभी बहुत बड़ा हादसा हुआ है, अभी जनाब तहन कादरी साहब आप कनाडा में बैठे हैं, आपको कोई एहसास नहीं, आप धरनों में तशरीफ ले आते हैं, आप धरने धड़न तख्ते करवाते हैं, आप मालरोड पे भी पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या आपको आपका जो हॉस्टल है जिसमें बच्चियों ने इफ्तारी या सही का इशू था, जिसको आपने आपके जो नवाज गंडापुर साहब हैं जो वहाँ जो उन्होंने एक्ट किया है वो मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, वो वीडियो हम आपके अपने प्रोग्राम में चलाएंगे, बहुत चल चुकी, उनका बयान हर 1.5 सेकंड के बाद बदल रहा है। खुदा रहा, कम से कम बच्चियों के ऊपर ये इल्ज़ाम तो मत लगाएं कि वो बाहर मेरे मुंह में खाक, वो बाहर प्राइवेट फंक्शन में जाना चाहती थी, वो तौबा नौज़ बिल्लाह, मुझे बता दीजिए ताहिर कादरी साहब, आपको अपने रब की कसम आप बड़े जलाली ओरेटर हैं, मुझे बताइए रमजान शरीफ में कौन सी क्लब ऐसी है, कौन सा ऐसा होटल है जहाँ ढोल ढमक्का हो रहा होगा, जहाँ गाना बजाना हो रहा होगा, वो तो बड़ा कोई बदनसीब होगा। और क्या फिर आपके यहाँ ऐसी पौध है जो ये डिमांड करती है? इसको आप क्लियर कीजिएगा, आप या आपका माहौल, उसके आप जिम्मेदार हैं। हो इस गंडापुर, उनके बोलने का अंदाज मौला जट फिल्म के वाला था, सुल्तान राही वाला था, मजर शाह वाला था, वो तो बड़ी कमाल फिल्में थी, टीच करती थी, एजुकेट करती थी, लेकिन खुदा रहा ये क्या कर रहे हैं हम अपने इदारों में, ऐसी बदतमीजी, ऐसी बुरा हाल, कभी बच्चों के ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं, कभी पर्दादार ख्वातीन का हॉस्टल है तहन कादरी साहब, वहां पर्दादार बच्चियां खड़ी हुई थी, हया में खड़ी हुई थी, किसी ने कोई बदतमीजी नहीं की, आपकी वहां अपनी साहबजादी होती तो गंडापुर साहब का मुंह तोड़ देती, आपकी अपनी बहू होती वहां तो उन बच्चियों को खुद अच्छी तरीके से संभालती, आपकी बेगम साहबा होती तो उन बच्चियों को अच्छे तरीके से गले लगाती और प्यार से उनकी डिमांड पूरी करती, जो यकीनन सहरी और इफ्तारी के अलावा कुछ नहीं होगा। ग्रेट व्यूअर्स, कहां जा रहे हैं हम, किधर जा रहे हैं हम? एक हादसा हो गया, उसको अच्छे तरीके से रिजॉल्व करने की बजाय हम हर स्टेटमेंट में एक नया इल्जाम, एक नया रुख, एक नया मोड, दहाई अफसोस है। यकीनन इस पे एक्शन होगा, मैं चीफ जस्टिस साहब से भी गुजारिश कर चुका हूँ और मैं आईजी पंजाब से भी गुजारिश कर चुका हूँ कि इसका सद्देबाब होना चाहिए, कि बच्चियों के हॉस्टल में जो कुछ हुआ है उसका, उसकी जो आउटकम है, उसकी ट्रू पिक्चर जो है वो लोगों के सामने जाने चाहिए। हॉस्टल बंद हो गया है, वालदैन खामोश करा दिए गए हैं, क्या होगा अल्लाह ही जाने, कौन बचेगा, कौन बचेगा। नाज़रीन, मैं गुजारिश कर रहा था कि हमें अपना हिसाब खुद करना चाहिए, हम लीडरों के पीछे पड़े हुए हैं, हम अपने इंस्टीट्यूट को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। पुलिस से बात याद आ गई, मेरी चंद माह पहले आईजी साहब से मीटिंग हुई थी, कैप्टन आरफ नवाज साहब से अच्छी रही, मेरी चंद रोज पहले मैं लंदन चला गया था, हमारी जिस सोसाइटी में मेरी रिहाइश है, ये गवर्नमेंट एम्प्लाइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, इसके चार फेज हैं, मैं फेज थ्री में मेरी रिहाइश है, माफ़ी चाहता हूँ, फेज थ्री में मेरी रिहाइश है, और इसका जो ऑफिस है, जो सेंट्रल ऑफिस है जहाँ हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी साहब बैठते हैं, माजी में तो इंतखाब हुआ था, इस दफ़ा एनआरओ हुआ, चलिए जो कुछ भी हुआ एक बॉडी बनी हुई है, वो बड़ा अच्छे तरीके से लोग कॉफ्ट कर रहे हैं, प्रोफेसर नसीर साहब वहाँ सेक्रेटरी हैं, मुझे ये भी कहते हुए अफसोस हो रहा है कि माजी के दोनों सेक्रेटरी साहबान के ऊपर केसेस बन गए हैं, उन्होंने हाई कोर्ट से बेलें कराई हैं, खुदा करम करे उनके ऊपर, अगर वो सच्चे हैं तो अल्लाह उन्हें माफ़ करे, अगर कोई कोताही हुई तो फिर भी अल्लाह उनको माफ़ करे, क्योंकि हम सच बात
अगर आपको बता दी जाए, आपको पूछा जाए, तो आप बुरा मना जाते हैं, आप दुश्मन हो जाते हैं, आपको चूंकि सच कड़वा होता है। और तो हमारे सोसाइटी में द ग्रेट व्यूअर्स कोई नवंबर में सोसाइटी के कुछ लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया, और चूंकि मैं सोसाइटी का बोनाफाइड मेंबर हूं, मैंने यहीं जीना मरना है, मेरी रिहाइश है, लिहाजा मुझे पूरा पूछने का हक है। तो पता चला कि कुछ बहुत नेक लोगों ने 37 कनाल कब्रिस्तान की ज़मीन ली थी, काना में मारूफ जगह है, आइडेंटिटी उसकी जो है मारूफ है, शनाख्त का जो एरिया है वो है कटा फार्म, उसके पास 37 कनाल ज़मीन थी, और लेने वाले ग्रेट लोग थे, लेकिन उस जो उसको ठगों को देने चाहते थे, अल्लाह उनके लिए भी दुआई कर सकता हूँ। खैर, सोसाइटी के जो अब मौजूदा सेक्रेटरी साहब हैं, प्रोफेसर नसीर साहब ने उसके ऊपर इंक्वायरी की, और मोहतरम अमानुल्लाह साहब उसके इंक्वायरी अफसर मुकर्रर हुए, और उसके इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के बाद नतीजे में जो उन्होंने अपनी अप्रेजल लिखी, उसमें एक साहब सैयद अयूब सुहेल साहब जो हैं वो मुल्ज़म ठहराए गए, उनके खिलाफ ये केस डिटरमिन हो गया कि उन्होंने फोर्ज डॉक्यूमेंट के साथ सोसाइटी के मुलाजमीन के साथ मिलके वहाँ से दस्तखत करवाए, लैंड रिकॉर्ड में गए, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वहाँ से कागज़ निकलवाए, एलडीए में गए, ज़मीन एक्वायर कराई नहीं कराई, ये सारी इन्वेस्टिगेशन अमानुल्लाह साहब ने की, और उसके बाद ये उन्होंने एक एप्लीकेशन दी पुलिस स्टेशन कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट के SHO साहब को दरख्वास्त दी, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने अपनी इतनी पूरी कोशिश की, और अनवर सईद जो SHO थे उनसे खुद मिला कि आप इन्वेस्टिगेशन करें, सच्ची झूठी जो भी चीज़ निकलती है आप अपनी अप्रेजल दे के केस या पर्चा करें या खारिज करें, जो भी करना है करें। लेकिन उन्होंने नहायत बददियानती का मुजाहरा किया, वो घर मेरे तशरीफ लाए, और उन्होंने कहा सर मैंने हर चीज़ कर दी है, सब अच्छा हो गया, मैंने वो डॉक्यूमेंट ये मैंने समझा कि वो FIR है, और वही डायरेक्ट अमानुल्लाह साहब को दे दी गई। मैं वापस आया, मालूम हुआ कि वो सिर्फ रिसीविंग थी, इसके लिए हम बेहद शर्मिंदा हैं। IG साहब, ये क्या जुल्म है कि उसको इतनी बड़ी चीटिंग SHO अनवर सईद ने की कि एक FIR करने की बजाय उसको सिर्फ रख रख के चक्कर दे दे के सोसाइटी के जो बाइज्जत बावकार मेंबरान हैं उनको थानों में बुला बुला के वो एक रिसीविंग दी, वो भी मेरे जोर लगाने पे। अब दूसरी मुलाकात मेरी जो एग्जिस्टिंग SP हैं राना उमर फारूक साहब, यंग जेंटलमैन, वेरी नाइस पर्सन, वो मुझे बहुत वेट करना पड़ा। IG के ऑफिस से कहा गया था कि इसको टेकअप करें, इस मैटर को देखें कि क्या मामला है, लिहाजा मुझे इस बात से कोई शर्मिंदगी नहीं कि मुझे वहाँ वेट करना पड़ा, क्योंकि अंदर 2-3 केस तो बड़े इंपॉर्टेंट होने थे। राना उमर फारूक के थॉरो जेंटलमैन, वेरी नाइस, उन्होंने मेरी बात गौर से सुनी, और जब उन्हें ये मालूम हुआ कि मैं सिर्फ सबका जारिया के तौर पे ये जहाद कर रहा हूँ कि अगर ये सच है, ग्रैबिंग प्रूफ्ड है, तो फिर कानून के शिकंजे में आना चाहिए, और अगर ये गलत है तो फिर इसके ऊपर भी एक उसको दाखिल दफ्तर कर देना चाहिए। अब राना साहब की बात समय लग गई है और इस हरकत में है, लेकिन इंतहाई अफसोस है कैप्टन आरफ नवाज साहब, IG पंजाब, जनाब इंचार्ज डिसिप्लिन याज सलीमी साहब, आपसे गुजारिश है कि इस मामले को सीरियस लें। गवर्नमेंट कोऑपरेटिव एम्प्लॉज सोसाइटी ए सेक्टर के दफ्तर का ये केस है, और सेक्रेटरी प्रोफेसर नसीर साहब और जनाब रमज़ान घुमन साहब ने इनिशिएट किया है। हमने इसके ऊपर बहुत बड़ी रिकॉर्डिंग कर छोड़ी है, क्रिमिनल ट्रैप की स्टोरी हमने रिकॉर्ड कर ली हुई है। पुलिस क्या कर रही है, हम पुलिस के पीछे पीछे हैं, और देखते हैं कि आप क्या करते हैं। आप पर्चा करना चाहें तो फिर किसी के ऊपर गैस चोरी का पर्चा कर देते हैं, किसी के ऊपर जो चाहें आप कर सकते हैं, आप करिश्मा साज हैं, लेकिन ये 37 कनाल कब्रिस्तान के ऊपर भी मेहरबानी फरमा के इसकी इन्वेस्टिगेशन नवंबर से शुरू है, दाखिल दफ्तर कर दी गई थी, दरख्वास्त कर दी गई थी, लेकिन हम आपको अभी ये रिसीविंग दिखाएंगे, और हमने पूरी कोशिश की है। अभी हमें पता चला है कि प्रेशर डाला जा रहा है कि सुलह कर ली जाए। किस चीज़ की सुलह, लोग कब्रिस्तान की ज़मीनें देते हैं जनाबे IG साहब, लोग तो ज़मीन कब्रिस्तान को देते हैं। जनाब खादमे आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब, चराग सहर ही आपका इंतदार, 31 को आप कल किसने देखा है कि 2018 में कौन होगा यहाँ, खुदा करे अच्छे लोग हों, आप आए कोई आए, लेकिन जाते हुए ये तो देख जाएं
کہ خدا را یہ قبرستان پہ قبضہ کرنے والا مافیا یہ اب تک نومبر سے درخواست جو ہے اپلیکیشن موو ہوئی ہوئی ہے پروفیسر نصیر صاحب کی طرف سے، گھومن صاحب کی طرف سے، اور میں نے جو آف کیمرہ باقی کیمرہ بھی ریکارڈنگ ہوئی ہے، سب نے کہا کہ ایوب سہیل جو سید ایوب سہیل ٹیلر ہیں، گلیمر ٹیلر کے مالک ہیں، ماڈل ٹاؤن لنک روڈ کے اوپر میری سوسائٹی فیز 3 کے گیٹ سے تیسری شاپ ان کی ہے، ان سے اتفاقاً جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کچھ اور سٹوری بنائی ہے، ہم نے چونکہ وہ آف کیمرہ ہے اس کو بات ڈسکس نہیں کر سکتے، یہ پولیس کا معاملہ ہے، اور میں جناب آئی جی صاحب سے درخواست کروں گا کہ مہربانی فرما کے اس کا نوٹس لیں، اور رانا صاحب آپ بھی مہربانی فرمائیں، آپ نے محبت فرمائی، آپ نے عزت فرمائی، آپ کو پہلے سمجھ کیس نہیں آ رہا تھا کیونکہ آپ یہاں نئے آئے تھے، پہلے ایس پی صاحب رضوان عمر گوندل صاحب نے جو ہمارے دوستوں کے بھانجے ہیں، ہمیں انتہائی افسوس ہے انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں لی، انور سعید نے خوب کھاتے میں بانٹ ڈال دی، یہ ایس ایچ او اس کو بھی کوئی پتہ نہیں، کس کو پتہ ہو، ہم کس کے ہاتھ اپنا لہو تلاش کریں، تمام مافیا نے پہن رکھے ہیں دستانے۔ ناظرین اگلے پروگرام تک اپنے میزبان یوٹیوب جاوید کمیانہ کو لائیو ود بائی جے کمیانہ کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ پھر ہوں گے با کمال میں، آپ پھر ہوں گے لائیو ود بائی جے کمیانہ میں، ہم سکولوں کو بہتر کریں گے، ہم اداروں کو بہتر کریں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ بہت جلد سول ایویشن ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن صاحب سے آپ ہم ان کا کوشش کریں گے کہ ان سے گفتگو کریں، ہوائی اڈے نئے بن رہے ہیں، مبارک ہو جنہوں نے بنایا ہے، اللہ ان کو جزا دے، ہوائی اڈے بن رہے ہیں، میٹرو بن رہی ہیں، سارے صوبوں میں بن رہی ہیں، کوئی کہتا تھا جنگلہ بس ہے، کسی نے موٹر وے پہ سیاست کی، موٹر وے سے بھی سارے گزر رہے ہیں، جنگلہ بس کی بجائے ہر صوبہ اپنے ایریے میں کوئی یلو لین بنا رہا ہے، کوئی گرین لین بنا رہا ہے، کوئی پالی پیلی لین بنا رہا ہے، کوئی سفید لین بنا رہا ہے، بنائیے بنائیے، لیکن ملک کا حلیہ نہ بگاڑیے، اجازت دیجیے، بہت سارا خیال ملک کا رکھیے، ارد گرد کا رکھیے، دائیں بائیں کا رکھیے، اپنے ارد گرد مشکوک شخصیات کا خیال رکھیے، آز مذہبی نفرت سے دور رہیے۔ سردار الانبیاء کا یہ دین نہیں تھا کہ ہم ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑیں، ہم ڈھول ڈھمکے کریں، ہم صحابہ اکرام بڑے ادب و احترام سے ان کی محفل میں آتے تھے، سر نگوں ہوتے تھے، احترام سے اونچی سانس بھی نہیں لیتے تھے، ذرا احتساب کیجیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگلے پروگرام تک اجازت، بہت سارا خیال رکھیے، ہماری طرف سے رمضان شریف کا پہلا اشرہ جو کمپلیٹ ہونے کو ہے مبارک، دوست ٹیلیویژن آپ کا خیر خواہ، ڈیپ ڈگنگ انویسٹیگیٹڈ سٹوریز آپ کو لے کے آئے، آپ کو دکھائے گا، پاکستان زندہ باد۔